पश्चिम भागात मुख्य चौक जसे मटका चौक, फॉरेस्ट नाका, हुतात्मा चौक तसेच गोविंद पूल या परिसरात अनधिकृत बॅनर्स लावण्यात आले असून या बॅनर्सची 2019 मध्ये निविदा संपली आहे। तसेच नियमानुसार त्यांची उंची 10x20 फूट इतकी असावी, मात्र या नियमांचं उल्लंघन करत हे बॅनर्स 20x40 चे लावण्यात आले असल्याचे समोर आलं आहे। या बॅनर्स तसेच हे कॉन्ट्रॅक्ट काही वर्षापासून विजय ॲडव्हर्टायझिंग नावाच्या कंपनीला देण्यात आला असून पालिका आता नवीन कॉन्ट्रॅक्टदार शोधत आहे, मात्र अद्यापही पालिकेला नवीन कॉन्ट्रॅक्टदार न मिळाल्याने या जुन्या कॉन्ट्रॅक्टदाराकडून करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचार होत असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली आहे। तसेच कॉन्ट्रॅक्टदार मनमानी कारभार करत असून पालिका मात्र यापासून अनभिज्ञ आहे किंवा तसं असल्याचं भासवत आहे। याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता वीरसिंग शेखावत यांनी RTI कायद्याअंतर्गत अधिकची माहिती समोर आणली आहे। त्याप्रमाणे पालिकेला होर्डिंग्स पासून जो नियमित कर प्राप्त झाला पाहिजे तो होत नाही, मग हा कर जातो कुठे असा प्रश्न या निमित्ताने सामाजिक कार्यकर्ता वीरसिंग शेखावत यांनी उपस्थित केला आहे। या पाहूया वीरसिंग शेखावत यांनी काय माहिती दिली आहे। सर आपने अगर देखा होगा अमरनाथ में तो जगह जगह पे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है, गैंट्रीज लगी हुई है और मतलब ये हर थोड़ी दूरी पे कहीं ना कहीं आप जाओगे देखोगे दिखेगा आपको। अगर आप अमरनाथ ईस्ट में आओगे तो ईस्ट के स्टेशन के बाहर पे चार चार पाँच पाँच बड़े बड़े लगे हुए हैं और वेस्ट में भी कई जगह पे हैं। तो इनमें से कुछ होर्डिंग्स तो ऐसी है कि इतनी पुरानी होगी कि वो कभी भी गिर सकती है, तो मतलब धोखादायक है वो। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ा फिर सोचा कि भाई इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए, इसका देखे इसके क्या है एग्जैक्टली मामला। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ डिटेल्स निकाली, RTI डाली थी मैंने, तो उसके अंदर मेरे को ये पता चला है कि सर ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसके अंदर जो नगर पालिका है वो इन्वॉल्व है, उनके कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व है। जैसा आप देखे जाओगे तो इसके अंदर एक जो टेंडर था 2017 में ख़त्म हो गया था, तो लीगली उसके बाद में 2 साल के लिए उसको बढ़ाया गया 2019 में। 2019 के बाद में ये टेंडर सर ख़त्म हो गया, 2019 के बाद में ये आज तक अभी तक रिन्यू नहीं हुआ और कंटिन्यू इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग होती आ रही है। और इसके ऊपर अगर फिर मैं गया था एक बार परमिशन के लिए कि भाई ये इस पर हम लोग को एडवर्टाइज़ करनी तो इस पर क्या चार्जेस है जानने के लिए, तो नगर पालिका से मुझे ये पता चला कि BJ एडवर्टाइजिंग करके उनका एक कॉन्ट्रैक्टर है, आपको उन्हीं से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब हम उनके पास गए परमिशन के लिए तो वहाँ पे हम लोगों को एक नॉर्मल होर्डिंग का प्राइस बताया गया महीने भर का, कम से कम उसका सर 1.5 लाख रुपये चार्जेस होंगे। सर अगर आप मान लो एक महीने का एक बोर्डिंग का 1.5 लाख रुपये है तो अमरनाथ में कम से कम ऐसे 50 से 60 होर्डिंग्स लगे हुए सर, उनका 2 साल से 3 साल से जो पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है? ये गवर्नमेंट का पैसा है, एक नॉर्मल टैक्स पेयर का पैसा है सर। जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा। तो इस चीज़ के ऊपर सर ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है और जो नगर पालिका के कुछ अधिकारी इसे गलत फायदा उठा रहे हैं, ये पैसा गलत जगह पे जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसीलिए मेरी अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई मैं इसके ऊपर एक PL डालने वाला हूँ, कंप्लेंट करने वाला हूँ और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और अगर मैं आपको इस पर शॉर्ट में बताऊँ ना, जो चार्जेस जो जैसे मैंने बताया ये तो विदाउट टेंडर के ये लोग 1.5 लाख में एक होर्डिंग बेच रहे हैं, अगर गवर्नमेंट से भी परमिशन लेता ना गवर्नमेंट इसके सिर्फ चार्जेस 7,500 रुपये एक महीने का लेता है। अगर इसमें गवर्नमेंट का चार्जेस सिर्फ 7,500 आता है और 1.5 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता, और ये जो 7,500 जो गवर्नमेंट का है वो भी नहीं है। और लास्ट जो मैंने 5 से 6 साल का मैंने जो एवरेज निकाला है ना सर, ये कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपये का घोटाला है। और ये जो नुकसान है 15 से 20 करोड़ का सिर्फ गवर्नमेंट का हुआ है, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर ने कितने कमाए होंगे सर वो तो हिसाब ही छोड़ दीजिए अब। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। तो आप देखोगे कल्याण बदलापुर रोड जो है ये PWD के अंडर में आता है, बट इस पे भी नगर पालिका ने बिना कुछ उनके अंडर आए भी उन्होंने परमिशन दी है और उनके जो रेट्स है ना सर उनमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जो PWD के अभी जो नए देखोगे आप 18 गैंट्रीज लगे हैं उसके ऊपर, लग रहे हैं अभी भी, और उनका जो रेट है वो समझिए गवर्नमेंट का जो 7,500 जा रहा था महीने का यहाँ पर वो 7,500 से 1,000 रुपये ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट को जहाँ पे 10,000 रुपये आने चाहिए तो उस जगह पे वो सिर्फ 1,000 रुपये ही ले रहे हैं और वो भी सिर्फ नाम मात्र के, जो महीने का 1,000 रुपये है।
इसमें कुछ नगर पालिका के जो मुख्य अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सबकी मिली भगत है सर। ये सर मैं बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 करोड़ ये पिछले से 4 से 5 साल का है, अब ये सालों से चलता आ रहा है और इसके ऊपर कुछ डिटेल्स निकाले हैं मैंने, कुछ RTI डाल के, तो ये सर मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट जो भ्रष्ट कर्मचारी है और जो कॉन्ट्रैक्टर इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और कोई अच्छा नया कॉन्ट्रैक्टर देखे उनको आगे टेंडर ये किया जाए, उनके मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखा किया जाए। अब जैसे मैंने कुछ इसमें देखा था सर, टर्म्स एंड कंडीशंस देखे थे मैंने नए टेंडर के अंदर के, आप अगर KDMC में देखोगे, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टेंडर्स देखोगे, वहाँ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और जो अमरनाथ के टर्म्स एंड कंडीशन है ना सर, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अमरनाथ में वर्क एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है एडवर्टाइजिंग के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्टर के लिए कम से कम 10 साल का मांगा जा रहा है, जबकि TMC में भी सिर्फ मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और ऐसे कई बैंक सॉल्वेंसी 10 लाख का नॉर्मली 10 लाख मांगते हैं कि भाई 10 लाख का भी कोई बैंक सॉल्वेंसी देता है तो हम उनको टेंडर देने के लिए रेडी है, बट अमरनाथ को सर 5 करोड़ चाहिए बैंक सॉल्वेंसी। तो मतलब ये एक तरफ ऐसा लग रहा है कि ये किसी और को इन्वॉल्व ही नहीं होना देना चाहते, ये उनके कुछ है खास कॉन्ट्रैक्टर्स, ये उन्हीं के पास टेंडर जाए ऐसा कुछ चल रहा है सर इसके अंदर। और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं ये सब आपको एक यहाँ पे बैठ बता नहीं सकता, तो ये डिटेल में अपन बताऊंगा मैं आपको बाद में, और ये सब मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। शीतल मोरे सह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, अंबरनाथ। मॅक्सलाईफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे, हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। ही एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं, प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अगरवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाईन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICC पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं, ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पतरात जाहिरात द्यायची असेल, तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा। धन्यवाद।